जून 1867 के महीने में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने संसद के अंदर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट पास किया था और इस एक्ट के बाद नॉर्थ अमेरिका के एक बहुत इंपॉर्टेंट देश की स्थापना की गई थी। नाउ यू माइट हैव गेस्ड इट राइट, हम बात कर रहे हैं कनाडा की। अब दोस्तों, इस बिल के पारित होने के बाद कनाडा को ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी कॉलोनियल प्रोविंस से सेल्फ गवर्न डोमिनियन स्टेट की उपाधि दे दी गई थी और इसी वजह से 1 जुलाई साल 1867 के दिन ऑफिशियली एस्टैब्लिशमेंट हुई कनाडा की। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं प्रेजेंट टाइम में। कनाडा आज दुनिया की दूसरी सबसे ट्रांसपेरेंट कंट्री होने के साथ साथ फोर्थ बेस्ट कंट्री फॉर एजुकेशन एंड ओवरऑल थर्ड बेस्ट कंट्री की पोजिशन हासिल कर चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर GDP की बात करें तो भी कनाडा पूरी दुनिया में 9वें स्थान पर आता है। बट क्या आपको पता है कि इतनी सारी कैटेगरी में टॉप करने के बावजूद कनाडा का 80% इलाका आज भी खाली पड़ा हुआ है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आप कनाडा के मैप में आज जितना भी एरिया देखते हैं उसमें से 80% हिस्से में कोई रहता ही नहीं है। बट क्यों? कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं है? सो वेल, हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं आज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, ये है पूरा ग्लोब और इस पूरे हिस्से में आपको जो लाल कलर का एरिया हाइलाइटेड दिख रहा है वही है कनाडा। कनाडा को आप भले ही ग्लोबल पॉलिटिक्स में ज्यादा भाव ना देते हो पर जब बात हो एरिया और लैंडमास की तो वहां इसकी जगह बहुत ऊपर है। अब न्यूमेरिकली बताया जाए तो 9.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया के साथ कनाडा इस पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, रशिया के जस्ट नीचे। अब दोस्तों, साइज कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कनाडा की बाउंड्री भी ह्यूमंगस है, जहां ईस्ट से वेस्ट तक इसकी लेंथ करीब 5514 किलोमीटर के बराबर मेजर करी जाती है तो वहीं नॉर्थ टू साउथ इसकी टोटल विड्थ 4634 किलोमीटर है। हालांकि दुनिया की 6.1% जमीन पर कब्जा करने के बावजूद कनाडा की कुल आबादी सिर्फ और सिर्फ 39.9 मिलियन लोगों की है और जिसमें से मैक्सिमम एमिग्रेंट्स है। अब अगर आपको ये आंकड़ा बड़ा लग रहा है ना तो मैं आपको बता दूं कि इससे कहीं ज्यादा लोग तो सिर्फ और सिर्फ हमारे NCR में ही रहते हैं। अब दोस्तों, इन सभी स्टैट्स से ज्यादा शॉकिंग है ये पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशनल मैप जो ये दिखाता है कि कनाडा के कौन से एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। और पर्सनली जब मैंने इस मैप को पहली बार देखा था तो मैं खुद हैरान रह गया था। अगर इस डेंसिटी को आप क्लोजली देखेंगे तो आपको साफ साफ ये समझ में आ जाएगा कि सदर्न कनाडा के वो हिस्से जहां का बॉर्डर USA से लगता है और वो हिस्से जो एरी, सुपीरियर, हुरॉन, ओंटारियो और मिशिगन लेक्स के कोस्ट पे मौजूद है, सिर्फ ऐसे ही जगहों पर लोगों का जमावड़ा कंसंट्रेटेड रूप से अपना घर बसाकर बैठता है। अब हैरानी की बात यह है कि इन रीजन्स में जमीनें, फ्लैट्स, रेंट्स और बेसिक नेसेसिटीज बहुत महंगी है पर फिर भी कनाडा की पूरी पॉपुलेशन यहीं पर रहती है, जबकि मैप के नॉर्दर्न साइड में दिख रहा है ये हिस्सा बिल्कुल खाली है, जहां जमीनों का कोई मोल नहीं है और जहां फैल के रहने के लिए पूरी जगह मौजूद है, वहां कोई फ्री में भी नहीं जाना जाता। बट द क्वेश्चन अराइजेज हियर कि व्हाई, आखिर क्यों लोग कनाडा के इस हिस्से में नहीं रहना चाहते? वेल, देखो, कुछ लोग इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ ठंड का हवाला देंगे और कहेंगे कि कनाडा में ठंड बहुत पड़ती है इसीलिए उन खाली हिस्सों में कोई नहीं जाना चाहता। वेल, देखो, टेक्निकली दे आर राइट बट ये सिर्फ आधा ही सच है और इसके पूरे सच के पीछे 3 मेजर रीजंस रिस्पॉन्सिबल है जिसमें से सबसे पहला सीधा हिस्ट्री से ही कनेक्ट होता है। अब देखो दोस्तों, वैसे तो यहाँ की नेटिव ट्राइब्स हमेशा से यहाँ का अभिन्न हिस्सा रही है लेकिन अर्ली 16th सेंचुरी में जब यूरोपियंस ने कनाडा आना शुरू किया था तो धीरे धीरे उन्होंने कोस्टल एरियाज पर परमानेंटली सेटल होना शुरू कर दिया। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यूरोप से सीवेज के जरिए कनाडा की एक ही मेजर कोस्ट लाइन बेहतर सप्लाईज के साथ कनेक्ट करती है और इसी कोस्ट लाइन पर आज के प्रेजेंट टाइम के क्यूबेक और ओंटारियो मौजूद है। कनाडा हमेशा से बहुत ज्यादा पॉपुलस रीजन नहीं रहा है लेकिन जैसे जैसे यूरोपियंस ने यहाँ आना शुरू किया वैसे वैसे यहाँ की आबादी बढ़ती गई और चूंकि उन्हें आए दिन कनाडा से यूरोप ट्रेवल करना होता था इसीलिए यूरोपियंस ने क्यूबेक और ओंटारियो के इलाकों को ही अपनी कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया। और कुछ इसी तरह से अर्ली फेजेस में कनाडा के पहले मेजर इमिग्रेंट्स ने सेटल होना शुरू कर दिया और 500 सालों में इस एरिया का इतना सोल डेवलपमेंट किया गया कि शुरुआत से लेकर आज तक हर कोई इसी एरिया में रहना पसंद करता है। अब दोस्तों, दूसरा कारण है आइसोलेशन एंड कनेक्टिविटी। अमेरिकन बॉर्डर शेयर करने की वजह से कनाडा की कनेक्टिविटी और रिसोर्सेज के एक्सेस
एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब साल 1929 में ओपन किया गया यह एम्बेसडर ब्रिज इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल है, जो अमेरिका के डेट्रॉइट को कनाडा के विंडसर से कनेक्ट करता है, जिस वजह से करीब 1.5 लाख लोग इंटर कंट्री जॉब कर पाते हैं। अब देखो, इकोनॉमिकली कनाडा ना सिर्फ यूएस से सस्ता है बल्कि यहाँ के एसेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस भी काफी कम है, जिस वजह से बहुत से अमेरिकन कंपनी के कैनेडियन एज वेल एज अमेरिकन इम्प्लॉइज कनाडा में यूएस बॉर्डर के पास सेटल हो जाते हैं, ताकि उनके लिए दोनों ही कंट्रीज एक्सेसिबल हो, उनके रहने खाने का खर्चा भी बच जाए और वो दोनों देशों की इकोनॉमी से लिंक रहकर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सके। अब दोस्तों, तीसरा और फाइनल रीजन है वेदर एंड क्लाइमेट। कनाडा के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में आपको ये जो छोटे छोटे पत्थर के फ्रेगमेंट टुकड़े दिख रहे हैं ना, उन्हें और नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े जमीनी हिस्से को मिलाकर कलेक्टिवली ज्योग्राफी की भाषा में कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। अब ये एक ऐसा रीजन है जहाँ फार्मिंग नहीं करी जा सकती, ऊपर से इस इलाके में कोई इंडस्ट्री भी नहीं है कि लोगों को लाइवलीहुड का दूसरा जरिया मिल सके। अब देखो, ऐसे में जब आदमी के पास कुछ कमाने के लिए रहेगा ही नहीं, तो फिर वो वहाँ पे भूखा मरने के लिए क्यों ही अपना घर बनाएगा। और रही बात कनाडा के मिडिल एरिया की, तो यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। अब जहाँ साल के मैक्सिमम समय यहाँ का टेम्परेचर -5 से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है, जिस वजह से टूरिज्म के लिए तो ये जगह एक नंबर है, पर साल के 365 दिन जब इस तरह का मौसम मिलेगा तब आपका तो नहीं पता, पर मैं ऐसी जगह पर कतई नहीं रहना चाहूंगा जहाँ रजाई छोड़कर वीडियो बनाने निकलने के बाद हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ जाए, और जिस वजह से परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पर भी कम ही देखने को मिलती है, सिवाय उन लोगों के जिनकी रोजी रोटी यहाँ होने वाले टूरिज्म रेवेन्यू से ही चलती है। अब देखो, मिड एरिया चला गया, ईस्टर्न एरिया भी चला गया, तो बचा क्या? सदर्न बॉर्डर्स, जिस वजह से इकलौता विकल्प होने के कारण लोग महंगे किराए देकर भी वहीं शिफ्ट हो रहे हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। अब देखो, एक और रीजन यहाँ पर यह भी है कि सिर्फ बॉर्डर लाइन ही इस पूरे एरिया में इकलौता ऐसा हिस्सा है जहाँ लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चरल लैंड फैसिलिटेट हो पाती है और अनाज उगाया जा सकता है। ऊपर से ज्यादातर लेक्स जैसे ओंटारियो, मिशिगन वगैरह वगैरह के होने की वजह से भले ही पूरा कनाडा बर्फ के चादर से ढका हुआ हो, पर कोस्टल एरिया का टेम्परेचर हमेशा बैलेंस्ड ही रहता है ड्यू टू ब्रीज सर्कुलेशन, और यही कारण है कि मुंबई और साउथ के मेजर स्टेट्स भी कोस्टल लाइन शेयर करने की वजह से पूरे साल ऑप्टिमम टेम्परेचर महसूस करते हैं, और इसी सेम रीजन की वजह से कनाडा के ये रीजन्स और ज्यादा हैबिटेबल बन जाते हैं। अब खैर, ये तो बात हो गई प्रेजेंट की, लेकिन इतनी सारी बातों को जानने के बाद सवाल ये आता है कि क्या भविष्य में कनाडा की ये तस्वीर बदली जा सकती है या नहीं। पहले इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ये समझना होगा कि इस तस्वीर को बदलने के लिए आखिर करना क्या पड़ेगा। तो देखो, कनाडा की जिस खाली जगह की हम लोग बात कर रहे हैं उसका होना ना होना एग्जैक्टली एक ही बराबर है। नहीं समझे? चलो मैं बताता हूँ कैसे। देखो, करेंट टाइम में उस खाली जगह पर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद है, किसी भी तरह की कनेक्टिविटी नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आज की डेट में कनाडा की सरकार ये बिल पारित करती है कि वो उस जगह को कंस्ट्रक्ट करवा कर वहाँ पर नए शहर और बड़ी बस्ती बनाना चाहती है, तो उन जगहों की कंडीशन भी इतनी फेवरेबल नहीं है कि वहाँ पर जाकर मजदूर ढंग से काम भी कर पाएंगे। मतलब टेक्निकली ऐसा कोई भी कदम उठाने के लिए उनको पहले उस जगह की जमीन और वहाँ के एनवायरनमेंट को आर्टिफिशियली टेक्नोलॉजी की मदद से हैबिटेबल बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, और जिसके बाद उनको सिर्फ काम चलाऊ जगह मिलेगी, इलाका भी नहीं। इलाका बनाने के लिए उनको उस हिस्से को कनाडा की मेजर लोकेशन से कनेक्ट करना होगा, ढेर सारी कंपनीज को सब्सिडी और कंसेशन देने पड़ेंगे, उन्हें वहाँ ऑफिस और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा, और शुरुआती दिनों में इतनी रियायतें देनी पड़ेंगी कि पूछो मत। मतलब मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो सिर्फ एक शहर को बसाने के लिए सब कुछ मिलाकर कनाडा की सरकार को एटलीस्ट 200 से 400 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। मगर फिर सवाल यही आता है कि वो आखिर ऐसा करेंगे ही क्यों? कनाडा में ऑलरेडी ऐसे बहुत से मेजर इलाके हैं जो खाली पड़े हैं। 2021 के सेंसस के हिसाब से कनाडा की 23% जनसंख्या इमिग्रेंट्स की है, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा लोग अकेले भारतीय हैं, और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मगर भारत के लोग आखिर भारत छोड़कर जा ही क्यों रहे? अगर आप इस टॉपिक पर एक अनबायस्ड और डार्क रियलिटी से भरा हुआ वीडियो देखना चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कनाडा का 80% इलाका आखिर खाली क्यों है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।